गया है बालेश्वर में और बॉडी को भेजा गया है भुवनेश्वर में, यानी कि कितना की फासला है, दरमियान घंटा का कितना फासला है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट किस तरीके से ये मैनेज मतलब किया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी निकाल के सामने तक ही रखना चाहिए था कि चलो भाई आदमी पहचान, थोड़ा सा स्माइल हो गया था, वो तो होना ही था क्योंकि जुम्मे के दिन एक्सीडेंट हुआ है, दो दिन हो गया है इतना, हाँ गर्म बहुत है। उसके बाद बॉडी हम लोग को मिलते मिलते रात आपका तकरीबन 12 बजे हम लोग को बॉडी मिला है, 12:15 बजे। पता देखिए सरकार वहाँ का, हम तो सुने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 10 लाख का जो बोला था कि 9.5 लाख का चेक देगा, 50,000 कैश देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोग को 10 लाख रुपये मिला है, चेक मिला है, ठीक है हाँ, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से मिला है, नवीन पटनायक दे दिया उन लोगों ने, हाँ बॉडी दिया साथ में, हाँ बॉडी दिया रेलवे के तरफ से मिला, रेलवे जी जी रेलवे के हाँ तरफ से 5 लाख का चेक मिल गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो आप मतलब रेलवे का जो है वो भी 10 लाख का चेक मिल गया है। लेकिन अभी तक चेक तो मिल गया है लेकिन अभी तक पैसा कुछ आया नहीं है क्योंकि हम लोग जमा कर चुके हैं। फैज साहब आए थे आकर के मिल करके गए हैं, अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के हम लोग का जो ममता बनर्जी का जो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग का जो है यहाँ का जी, इसमें से हम लोग को 5 लाख का चेक मिला और हमारी एक बच्ची को नौकरी का भी नौकरी दी है जी। अच्छा ये नेताजी स्टेट में भी 2 दिन पहले जी जी स्टेट गवर्नमेंट हाँ यहाँ का हाँ दी है ममता बनर्जी। क्या उम्र होगा अभी जिस बच्ची को नौकरी मिला है? हम लोग को तो वहाँ कयामत गुजर गया, बच्चों खोज रे पा नहीं रहे, इतना डेड बॉडी, इतना परेशानी, खोज खोज के मेरा घर वाला परेशान, हम परेशान, 3 दिन तक मेरा बच्चा मिसिंग रहा। और वहाँ का लोग बहुत हेल्प किए, बहुत हेल्प किए, उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है, पाड़े वाले लोग का आस पास इन लोग बहुत हेल्प किए। चले गए खोजो खाओ ले ले खाला है हम उसके, अपनी बहन के साथ गए हुए थे वहाँ पे, पागल की तरह ढूंढ रहे। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए जनरल बॉगी जो होता है अगर सरकार चाहे तो कम से कम आदमी उसमें रख सकता है, ज़बरदस्ती तो पब्लिक का नहीं है ना, आप नहीं दीजिएगा टिकट तो वो लोग तो ज़बरदस्ती नहीं चढ़ेंगे, दूसरा इंतज़ाम करेंगे। दूसरी बात, जब दीदी थी रेलवे में तो इस तरह का हादसा नहीं होता था, ठीक है ना। जब से मोदी जी आए हैं तब से हद से ज़्यादा हर जगह, रेल का लेके बात नहीं है, बहुत जगह समझ लिए हादसा हो रहा है, ठीक बात। मोदी जी से हम लोग का पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर सरकार चला रहे हैं तो ज़रा सही से चलाए, राजनीति नहीं करे, ठीक है, हिंदू मुसलमान वाला हिस्सा नहीं चलाए, क्योंकि तो ये ठीक बात नहीं है। मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा तो सरकार छोड़ दे, पूरा दुनिया का बर्बादी नहीं करे, ठीक बात नहीं है। हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो रहा है मोदी के वजह से, ठीक है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद शमीम हुसैन न्यूज़ डेस्क टीवी से, आज मैं एक ऐसे मुकाम पे आया हूँ, एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ 2 जून को एक ऐसी खबर मिलती है कि घर का एक चिराग बुझ जाता है और घर के लोग जिस दुख तकलीफ में इस वक्त हैं, हम एहसास करते हैं कि उनके साथ क्या गुजर रहा है, उनके इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ मजहर के वालिद जनाब मोहम्मद बाबू भाई से कुछ बातें करनी है कि जब उन्होंने इस हादसे के बारे में सुना तो दिली कैफियत तो जो होता है बस मत पूछे, ऐसा लगता है कि जैसे पांव तले ज़मीन खिसक गई हो। आइए हम बात करते हैं बाबू भाई से। बाबू भाई, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आप इस हादसे के बारे में सुने तो इसके बारे में आप लोगों ने मुकामी लोगों से आप क्या बात किए और किस तरह से आपको ये पता चला कि इस हादसे के बारे में? जिस वक्त ट्रेन हादसे का शिकार हुआ हम कलकत्ता में नहीं थे, हम बिहार में थे। रात का वक्त था, 9:30 बजता होगा। हम जिस घर में थे वहाँ पे टीवी नहीं था, हम खाना वगैरह सोने के तैयारी में थे, तो इतने सवेरे तो हम लोग सोते नहीं हैं, तो हम मोबाइल खोल दिया, यूट्यूब खोला तो देखें कि ट्रेन एक्सीडेंट है, कोरोमंडल ट्रेन बैलासुर में घटनाग्रस्त हो गया, बस इतने ही हम पढ़े। हम फ़ोन को बंद करके अपने बेटे को फ़ोन लगाया, मजहर को, उसका फ़ोन रिंग हो रहा, रिसीव नहीं हो रहा है। रिसीव जब नहीं हुआ तो हम डर गए, तो डर के हम घर में फ़ोन किए, वहाँ से घर में फ़ोन करके हम बोले कि तुम लोग टीवी देखो, खबर लगाओ और
कहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, कैसे, हमको पूरा जल्दी खबर दो। फिर हम उसके बाद से इन लोग से फ़ोन अपना कनेक्शन काट के हम अपने आपा को किया, भद्रक कॉन्टेक्ट किया। तो आपा से पूछे कि आपा अमान कौन ट्रेन से गया है, हम लोग उसको अमान ही बोलते थे, नाम है मजहर। तो बोले वही जसवंतपुर से गया है। तो हम आपा को बोला कि आपा जसवंतपुर तो एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद हम उनसे एक दो मिनट बात करके, हम तो रोने लग गए जहाँ थे वहाँ, उन लोगों को बोला कि भाई हमको गाड़ी कर दीजिए। फिर उसके बाद गाड़ी कर दी उन लोग, खैर गाड़ी का इंतज़ाम ही में लगा हुआ था। तो मज़हर के साथ, अमान के साथ एक लड़का गया हुआ था, उसका नाम है अफसर, बगली में कहीं रहता है। तो उसके घर में फ़ोन आया कि यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रेन में आपका भी बच्चा था, लेकिन आपका बच्चा ठीक है, आप लोग आ जाइए। वो आई यहाँ हम लोग के यहाँ, आके बताई कि ऐसा सा बात है। इन लोग को भी लगभग मालूम हो ही गया था, हम बता दिए थे कि अमान और अफसर जो ट्रेन पर गया है वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है। तो हम तो थे नहीं, इन लोग ये खालू हैं, इसको बुलाई अपनी बहन को, फ़ोन की मल्लिकपुर, मल्लिकपुर से आए उस वक्त, और मेरी एक साली यहाँ रहती है मटिया ब्रुज में, शमीम, वो भी साड़ू है मेरा, मजलस साड़ू, ये छोटे हैं। तो इन लोग दोनों जो वक्त लगा आने में मटिया ब्रुज से, इन लोगों मल्लिकपुर से आने के बाद दो गाड़ी करके इन लोग निकल गए वहाँ पर। इन लोग जाके मंजर बाकी तो इन लोग देखे, हम तो शनिचर के दिन वहाँ पहुँचे थे। मोहतरम भाई, आप ये बताएं कि जब आप वहाँ पहले पहुँचे तो जो हालात थी, क्या महसूस किया वहाँ देख के, क्या लगा आपको जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे थे, और किस तरह आपने शनाख्त की, पहले कहाँ गए और वहाँ के लोगों ने आपके साथ किस तरह का कोऑपरेट किया? जब हम लोग शुरू पहुँचे वहाँ पर, मालूम पड़ा कि सब जितने भी बॉडी और जितने भी जख्मी हैं, हालत में आदमी है, सब वहाँ पर गया हुआ है सोरू हॉस्पिटल में। सोरू हॉस्पिटल हम जब पहुँचे सुबह 7 बजे, तो वहाँ पर देखा हम लोग जितने भी खोजने लगे, हम लोग को कुछ मिला नहीं, हम लोग अमान मिला नहीं, और ना तो मतलब ऐसा हम लोग कोई लगा कि वहाँ पर है। फिर हम लोग स्पॉट पर गए, स्पॉट पर जाने के बाद वहाँ भी देखें बहुत जगह झुकने दिया नहीं, वहाँ तो अभी पुलिस लोग NDRF का सब आदमी लोग मना कर रहा था, मत जाइए ऐसा है वैसा है। फिर हम लोग ऐसे ऐसे करके झुके हैं, और हम लोग फिर उसके बाद में वहाँ पर एक महानगर स्कूल है जहाँ से बॉडी रखा जा रहा था, तो वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर तो काफ़ी लाश रखा हुआ था, सरकार तो कहता है कि 300 आदमी मरा है, लेकिन हम लोग जब वहाँ पर गए तो वहाँ जो दुनिया का ऐसा ही लाश था, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है जो वहाँ पर हम जाके एक एक चेहरा देख देख के हम अपना पहचानने की कोशिश किए, लेकिन मिला नहीं। फिर लास्ट में वहाँ पर कुछ ऑफिसर को बोलेंगे सर हम लोग का ऐसा नहीं है, कुछ मिसिंग कंप्लेंट कर लीजिए, तो बोला अभी वेट करो, अभी कंप्लेंट करने का नहीं हो सकता, अभी तो निकल रहा है, अभी तो आ ही रहा है। तो बोले ठीक है भाई। फिर हम लोग खोजते रहे, फिर मालूम पड़ा कि कुछ बॉडी यहाँ चला गया, कड़क चला गया, भद्रक में भी है, कड़क में भी है। तो हम लोग क्या किए, कुछ आदमी को हम लोग ले करके कड़क चले गए। कड़क जा कर के वहाँ भी खोजे, वहाँ भी सुना कि वो मज़हर खान नाम का एक व्यक्ति था, तो वो जाके उसको देंगे, तो वो मिला नहीं, नहीं वो आदमी नहीं है, वो लड़का नहीं है, दूसरा कोई है। फिर हम जाके उसको वेरीफाई किए तो मिला नहीं। फिर उसके बाद में फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि वहाँ पर से जो है स्कूल में जाना पड़ेगा बहानगर का। फिर हम वहाँ से आए बहानगर, फिर बहानगर से NOC पार्क गए। NOC पार्क एक जगह में पूरा इंतज़ाम किया हुआ था इतवार के दिन, संडे के दिन, शनिचर के दिन तो पूरा हम लोग ढूंढ लिए, मिला नहीं। इतवार के दिन वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा था, वो वीडियो क्लिप में पोस्टर से दिखाया जा रहा था वीडियो क्लिप, वो क्लिप में हम लोग देखें तो हम लोग को मतलब कपड़ा से लगा कि यही हम लोग का है। तो जब उसके बारे में मालूम किए तो बोला कि हाँ ये शनिचर के रात में 8, 8:30 या 11 बजे तक का ये बॉडी निकाला गया था, 18 बॉडी में यही एक बॉडी है। इसको कहाँ भेजा गया, भुवनेश्वर भेजा गया। बॉडी निकाला गया है बालेश्वर में और बॉडी को भेजा गया भुवनेश्वर में, यानी कि कितना कि फासला है दरमियान, घंटा का कितना फासला है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट किस तरीके से ये मैनेज मतलब किया हमको समझ में नहीं आ रहा। बॉडी निकाल के सामने कहीं रखना चाहिए था कि चलो भाई आदमी पहचान कर लेगा, इतना दूर फेंका है बॉडी को भुवनेश्वर में। हम लोग फिर रुके नहीं, एक हम लोग का एक टीम था पूरा, मतलब हम लोग यहाँ से कम 15-20 लोग गए हुए थे, तो एक 15-7-8 आदमी को हम लोग एक गाड़ी में करके वहाँ भेज दिए भुवनेश्वर कि जाके पहले पहचान करो क्या है नहीं। वो लोग जैसे ही गाड़ी में निकला, 1 बजे का टाइम था दिन में, 1-1:30 बजे का टाइम में दिन में निकला वो लोग गाड़ी से। जैसे वो लोग निकला है, लोग रास्ता में फ़ोन ट्राई कर ही रहा था मज़हर का, फ़ोन ट्राई करते करते लास्ट टाइम डॉक्टर, वो फ़ोन को डॉक्टर ऑन किया था, वो
पॉकेट से निकाल के, तो डॉक्टर बोले ये कौन है तुम्हारा, तो बोला मैं उसका दोस्त हूँ। तो ठीक है, इसका मम्मी पापा कहाँ हैं, बोलो। डॉक्टर साहब बोलने लगे, तो बोले मम्मी पापा भी हैं क्या हुआ, बोलिए, बोले हाँ यहाँ बॉडी है, आ जाओ, ये डेड बॉडी यहीं है। तब हम लोग कन्फर्म हुए, फिर हम लोग सब मिल के बनेश्वर गए। बनेश्वर जब हम लोग पहुँचे, हम लोग वहाँ पर तकरीबन 7 बजे पहुँचे थे शाम में, जी 7:15 बजे हम लोग जब पहुँचे शाम में, तो उसके बाद में हम लोग बॉडी देंगे तो पूरा कंफर्म हो गया कि बॉडी हम ही लोग का है। फिर वहाँ के डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ठीक है आप इस बॉडी को ले जाइएगा बंगाल, तो हम इसका इंतज़ाम पूरा कर देते हैं, क्योंकि बॉडी थोड़ा सा स्मेल हो गया था, वो तो होना ही था क्योंकि जुम्मे के दिन एक्सीडेंट हुआ है, 2 दिन हो गया है इतना, हाँ गर्म बहुत है। उसके बाद बॉडी हम लोग को मिलते मिलते रात आपका तकरीबन 12 बजे हम लोग को बॉडी मिला है, 12:15 बजे वहाँ से लेकर निकले, फिर यहाँ कलकत्ता बंगाल में 9 बजे तक आए हम लोग सुबह। घर आप 9 बजे पहुँचे? जी। अच्छा, उसी दिन तदफीन भी हो गई? जी, उसी दिन हम लोग मट्टी मंजिल कर दिए, जोहर के टाइम में मट्टी मंजिल हम लोग का हो गया था 12:15 बजे तक हम लोग को जोहर में, इसलिए कि वो रखने का लायक तो था ही नहीं। वो जब आप गए थे वहाँ तो शनाख्त के लिए उन लोगों ने तो कुछ मांगा होगा आपसे, आधार कार्ड? जी जी जी, उसके पास में मोबाइल था, उसके पास में वैक्सीन का जो वो होता है कार्ड होता है उस वो था, कोविड सर्टिफिकेट था उसके पास में। और हम लोग के लिए सबसे बड़ा बात था कि हम लोग अपने यूनिफॉर्म से उसको पहचान लिए, उसके हाथ में आधार कार्ड लेके गए, तो वो तो सब मांगा हम लोग से सब। हाँ दिया होगा तो वो बाकायदा लिखवाया। हाँ, नहीं। अब मेरी बात ये है आपसे कि वहाँ की सरकार ने शायद कहा है कि 10 लाख रुपया वो जो लोग मारे गए हैं सभी को मिले जी, तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या पता चला आपको? पता देखिए, सरकार वहाँ का, हम तो सुने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये 10 लाख का जो बोला था कि 9.5 लाख का चेक देगा, 50,000 कैश देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को 10 लाख रुपए मिला है, चेक मिला है, ठीक है। हाँ, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तरफ से मिला है, नवीन पटनायक दे दिया वो लोग। हाँ बॉडी दिया साथ में? हाँ बॉडी दिया, रेलवे के तरफ से मिला, रेलवे जी जी, रेलवे के हाँ तरफ से मिला। वो भी वो बोल रहा था कि मतलब बालेश्वर जाने के लिए, पहले वो बोला कि बालेश्वर में आपको चेक मिल जाएगा, पहले बालेश्वर के बारे में बोला बालेश्वर में आपको चेक मिले, लेकिन बॉडी तो हम लोग ले रहे हैं भुवनेश्वर से। तो फिर हम लोग एक ऑफिसर को बोले, ऑफिसर बोला ठीक है यहीं से आपको चेक मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, आप चाहे वहाँ से, आप तो वेरीफाई यहाँ से किए ना भाई, आपको डॉक्टर यहाँ से वेरीफाई करके दे रहा है, आपको सर्टिफिकेट वहीं से मिलेगा जहाँ से हम डेड बॉडी उठा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था कि सर 5 लाख रुपये वो मिलेगा, तो वो मिला आप लोगों को अभी तक? जी, स्टेट गवर्नमेंट का भी 5 लाख का चेक मिल गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो मतलब रेलवे का जो है वो भी 10 लाख का चेक मिल गया है। लेकिन अभी तक चेक तो मिल गया है, लेकिन अभी तक पैसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि हम लोग जमा कर चुके हैं। हाँ तो क्यों नहीं जमा किया, क्या नहीं जमा कर दिए हैं? अच्छा। जमा कर दिए, आज 2-3 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रीज़न नहीं है। 4 दिन या यहाँ के काउंसलर्स से आपने जब रब्ता किया तो उन लोगों ने किस तरह की आपकी मदद की? फैज साहब आए थे आकर के मिल करके गए हैं, अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग का जो है यहाँ का जी, इसमें से हम लोगों को 5 लाख का चेक मिला, और हमारी एक बच्ची को नौकरी का भी नौकरी दी है जी। अच्छा, जी जी स्टेट गवर्नमेंट, हाँ यहाँ का, हाँ दी है ममता में। क्या उम्र होगा अभी जिस बच्ची को नौकरी मिला है? उम्र क्या होगा उस बच्ची को? उम्र कितना? 19 साल है, 20 साल, 20 ईयर्स है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है जासमिन नाज। जासमिन नाज। वो कहाँ तक पढ़ी? 12th में अभी एग्ज़ाम देगी अभी वो। दीदी ने, दीदी नौकरी दी है, दीदी जो बोली दीदी। हाँ हम लोगों को उसको हमेशा वो हमारे आप लोगों के दिलों में रहेगा आबाद। सबसे बड़ी सवाल है कि ये जो हादसा हुआ जी, इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए जी। आपने जैसे अभी कहा कि कम से कम 300 की बात है, लेकिन वहाँ उससे भी ज़्यादा, जहाँ जी जी, जी 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 आप जब वहाँ पहुँचे जहाँ पे लाश आपको देखना था, या वहाँ के बारे में थोड़ा कहते थे लोगों की क्या हालत थी? लोगों के बहुत बुरा हालत थी वहाँ पर, इतना बुरा हालत थी कि मतलब जिसका कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब बॉडी तो एक तरफ पूरा फेंका हुआ था, उसको पहचानने के लिए भी अंदर ढूंढने दिया नहीं जा रहा था, वहाँ पर लॉक करके रखा जा रहा था। और जब हम लोग बोले कि भाई हम लोग नहीं अगर वेरीफाई करेंगे कैसे समझ में आएगा, हम लोग को तो बॉडी देखना होगा। फिर वो लोग बहुत देर के बाद चाबी मंगाया, चाबी मंगा करके दिया, देने के बाद में जो है हाँ देने के बाद में चाबी देने के ताला खोलने के बाद हम लोग बॉडी दिखाए, हम बॉडी देखे, कोई जाने नहीं बोल रहा कि नहीं, हम बोला हम जाएंगे, मेरा बच्चा है तो हमको जाना ही है।
देखने के लिए। आप स्पॉट पे पहुंची थी जी, अपने तासुरात बताइए, क्या कैसा वहाँ जाने के बाद जो फीलिंग्स है? हम लोग को तो वहाँ कयामत गुजर गया, बच्चा खोज रे पा नहीं रहे, इतना डेड बॉडी, इतना परेशानी, खोज खोज के मेरा घर वाला परेशान, हम परेशान, 3 दिन तक मेरा बच्चा मिसिंग रहा। और वहाँ का लोग बहुत हेल्प किए, बहुत हेल्प किए, उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, पाड़े वाले लोग का, आस पास इन लोग बहुत हेल्प किए, मगर बच्चा मेरा मिले नहीं, जो मेरा भी भाई बताए हैं वही हम लोग हकीकत है। ना आपको किसी सरकार से, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई ऐसी नहीं किससे शिकायत करेंगे, बच्चा चले गए शिकायत क्या करेंगे, शिकायत करेंगे तो बस एक तो मिला है, कैसा भी हुआ नहीं है, अभी दिए बैंक में 3 दिन हो गया आज, मगर अभी तक कैश नहीं। ऐसा नाम हो सरकार, इस पर ध्यान रखे। हाँ मगर वहाँ पुलिस मोदी जी को ध्यान, वहाँ ये सब ध्यान नहीं दे रहे, जिसका बच्चा चले गया खोजो। आप मजार के कौन लगते हैं? खाला है हम उसके, अपनी बहन के साथ गए हुए थे वहाँ पे, पागल की तरह ढूंढ रहे। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए, जनरल बॉगी जो होता है, अगर सरकार चाहे तो कम से कम आदमी उसमें रख सकता है, ज़बरदस्ती तो पब्लिक का नहीं है ना, आप नहीं दीजिएगा टिकट तो वो लोग तो ज़बरदस्ती नहीं चढ़ेंगे, दूसरा इंतज़ाम करेंगे। दूसरी बात, जब दीदी थी रेलवे में तो ये इस तरह का हादसा नहीं होता था, ठीक है ना। जब से मोदी जी आए हैं तब से हद से ज़्यादा हर जगह, रेल का लेके बात नहीं है, बहुत जगह समझ लिए हादसा हो रहा है, ठीक बात नहीं है सब। आवाम हर जगह डिस्टर्ब, अब आप ही अपने ईमान से बोलिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, सब जगह जा रहे हैं, जब से बैठे हैं मोदी जी से हम लोग का पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर सरकार चला रहे हैं तो जरा सही से चलाए, राजनीति नहीं करे, ठीक है, हिंदू मुसलमान वाला हिस्सा नहीं चलाए, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले बोला जाता है, मेरी बच्ची बोली है, बड़ी वाली वो भी है ने बोली है कि एक होता है चीप होता है, ठीक है, डिवाइसर, वो बताता है एक्सीडेंट होने से पहले बोलते हैं उसको, जो मोदी जी शायद नहीं लगाए इसी का बेस इतना भारी एक्सीडेंट, और ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है, पर बीच बीच में साल दो साल में दिल्ली मुंबई सब जगह, तो ये ठीक बात नहीं है, मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा तो सरकार छोड़ दे, पूरा दुनिया का बर्बाद ही नहीं करे, ठीक बात नहीं है, हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो रहा है मोदी के वजह से।